हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये सब देख के आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपके क्या विचार है, क्या इरादे है, ये भी हम जानते हैं। देखिए, कुकु भाई और भाभी की बेटी नहीं है और आप लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, ये भी हम सब जानते हैं। पर मिट्टू, कि जो भी टेस्ट आप करवा रही है, अगर उसमें पता चला कि मिट्टू भी भाई की बेटी नहीं है तो क्या करेंगे आप? उसे भी घर से बाहर निकाल देंगे? कमाल है माँ, इस घर में कृष्णा जी की पूजा की जाती है, बाल गोपाल के हर रूप के गुण गाए जाते हैं, पर वो तो खुद उस माँ बाप की सगी संतान नहीं थी जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। माँ वो देवकी के पुत्र थे और यशोदा माँ के आंचल में पले बड़े थे। माँ जरा सोचिए, क्या इस घर में हम मिट्टू को शरण नहीं दे सकते? हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको समझ में आए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने विचार बदल दो। क्योंकि एक बात याद रखना माँ, कि इस घर से सिर्फ मिट्टू नहीं जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो भाई और भाभी भी चले जाएंगे। अरे वाह, मेरी डॉल तो नए नए करके और भी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। देखो मिट्टू, आपका ना पहला फंक्शन है हमारे इस घर में। कल होली है, आज होलिका दहन की पूजा है, पता कितना मजा आने वाला है। मैं तो इतनी खुश हूँ क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ है फाइनली। हाँ, कितना मजा आएगा ना। और फिर जो पिछले दिनों कुछ भी हुआ है ना, पता है मिट्टू, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम कुछ भी सेलिब्रेट कर पाएंगे घर पे, लेकिन अब देखो कृष्णा जी की कृपा है कि हमें मौका मिला है। I'm so happy। जब आप यहीं पे लेटो और मम्मा का वेट करो कि मम्मा जल्दी से नानी के रूम से आपका पाउडर लेके आती है, अच्छे से पाउडर लगाएंगे, आपके फिर नए नए कपड़े बनाएंगे। ओके, यहाँ पे लेटो, जल्दी से मारती है। हेलो सर, मिट्टू को इस तरह टब में अकेला छोड़ के कहाँ चली गई थी तू? क्या हुआ मां, आप परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा बोल क्या रही है, क्या किस बारे में बात कर रही हैं आप? किस बारे में? मिट्टू को ऐसे टब में अकेला छोड़ के गई है तू, और ऐसे कुछ हो जाता तो क्या, डूब जाती तो क्या? बोले जा रही, किस बारे में बात कर रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ। मैं मिट्टू को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो उसे यहाँ झूले में लिटा के गई थी। मैं मैंने मिट्टू को यही झूले में लिटाया था कि यहाँ। हे भगवान, कान्हा की दुल्हन हो क्या गया है, तेरा ध्यान कहाँ है? तू गुड़िया को अपना बच्चा समझ रही है? बात ध्यान की नहीं है मौसी जी, मानसिक स्थिति की है। इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है कान्हा, पहले भी कह चुके। अच्छा हुआ इंदू यहाँ आ गई, वरना पता नहीं बच्चे के साथ क्या हो जाता। नहीं 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 माँ, मेरी बात यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने यही यही मिट्टू को लिटाया था उसके झोले में, फिर मैं पाउडर लेने नीचे तो आ रही थी, बस दो मिनट में वापस आ जाती थी वो यही। तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है कान्हा की दुल्हन, सरोज बहुत सही कह रही है, मेरी मानसिक हालत ना ठीक नहीं है, अब इसे क्या दोष दें हम? कान्हा, हमें लगता है कि हमें ये बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ, या तो वो जो भी दवाइयाँ ले रही है वो बदलवा दो ताकि वो ठीक हो सके जल्द से जल्द। घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी हो सकता है, हम खतरा मोल नहीं ले सकते। मैं सच कह रही हूँ,
मैंने मिठू को यही चूने में बताया था उसके, पता नहीं फिर वो बाथरूम में गई, मुझे मुझे नहीं पता है। सयूरी, इतना छोटा बच्चा अपने आप चल के तो बाहर नहीं आ सकता ना, और ना ही इस कमरे में कोई आया है। आई तो तुम्हारी माँ ही आई जिसने ये सब देखा। कान्हा, हमारी बात मान, इसे डॉक्टर के पास लेके जा। बस कीजिए माँ, बस। आप गलत समझ रही हैं, छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों मना रही हैं? और सयूरी तुम? ये तू भी बेकार की बातें सोच के अपना दिमाग मत खराब कर। हमें पता है कि जो कुछ भी हुआ वो तूने जानबूझ के नहीं किया। तो अनजाने में भी नहीं होना चाहिए था कान्हा, माँ हूँ मैं इसकी, बच्ची है ये मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं इसके साथ कभी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। फिर समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये कैसे हो क्या कान्हा? तो समझ आना भी नहीं चाहिए। सयूरी तू बस कृष्णा जी का थैंक्स कर कि मिठू को कुछ नहीं हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाभी, बिट्टू को कुछ नहीं हुआ, बच्चों के साथ ऐसी चीजें होती रहती है, तो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ, बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है, और नकुल को ही देख ले, वो तो हमेशा चोट लगा के आता था। इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ गलत थी या उसे बाहर जाने नहीं देना चाहिए। ये सब चीजें होती रहती है बच्चों के साथ, इस बात के लिए खुद को दोष मत दे, ओके? आज होली का दहन है, आग में अपनी सारी टेंशन जला दी और एक नई शुरुआत कर। काना सयूरी नकुल रश्मि आओ बेटा, पूजा करो। અરે સાચું, હું છું તમારો વિક્રાંત। સયુરી, સયુરી ક્યા હુઆ? चल फिर, आखिरी परिक्रमा बची है। वैसे तेरे चेहरे पे परेशानी अच्छी नहीं लगती, इसके बगैर ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मानसिक संतुलन ठीक नहीं है का नाम, पहले भी कह चुके। मेरी वजह से मेरा परिवार इतना परेशान हो रहा है कृष्णा जी, माँ डर गई है, काना मेरे लिए लड़ रहा है, मिठू की तो जान पे ही बनाई थी आज। ये सब नॉर्मल नहीं है, ना ही मैं इसे इतना लाइटली ले सकती हूँ। प्लीज मुझे सही राह दिखाइए, मैं क्या करूँ? बहुत प्यार करती हूँ मैं इन सबसे, और मेरी वजह से इनमें से किसी को भी कुछ भी हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इनके लिए तो इस आग में भी जल सकती हूँ मैं, पर इन्हें कुछ नहीं होने दे सकती, ना कान्हा को, ना अपने बच्चों को, ना ही किसी और को। समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट आने में इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने डॉक्टर कुमार से कहा था जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दीजिए। तो उन्होंने भी तो कहा था ना कि रिपोर्ट तैयार होते ही तुझे भेज देंगे। अरे नहीं तैयार हुई होगी, इतनी उतावली और परेशान क्यों हो रही है? हम उतावले नहीं हो रहे मौसी जी, हमें बस इतना ही। माँ,
तारी मौसी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। क्या कर रहे हो आप? जल्दी ना खाना खाते, भूख लगी है। नकुल, होलिका दहन के टाइम पे सयूरी बार बार परेशान हो रही थी, इस डायरेक्शन में देख रही थी। हमने पूछा भी तो उसने हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन हमने नोटिस किया कि वो यहीं देख रही थी, जैसे कोई यहां हो। वो कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन होलिका दहन के टाइम पे हम में से किसी ने जूते चप्पल नहीं पहने थे, तो ये जूते के निशान किसके हैं? और जो इसमें मिट्टी है, वो मिट्टी हमारे आंगन की नहीं है। तो आपको लगता है कि विक्रांत सचमुच जिंदा है? पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा मन ये नहीं मान रहा है कि सयूरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो चीजें इमेजिन कर रही है। इसका मतलब सिर्फ एक है, कोई भाभी को जानबूझ के डराने की कोशिश कर रहा है। कल होली खत्म होते डॉक्टर कुमार की बताई हुई मेडिकल फैसिलिटी में मैं जाना चाहती हूँ। आप उनसे बोल के इंतजाम करवा दीजिए और कह दीजिए कि कला के मुझे ले जाए। मुकुल भाई, घर पे जब होलिका दहन चल रहा था तो कोई आया था क्या? नहीं भैया, हम तो यहीं पे थे, किसी को देखा नहीं आते जाते। वैसे कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, आप जाओ। अगर कोई आया नहीं तो ये पैरों के निशान, वही तो पता करना है। पर कैसे? एक आइडिया है हमारे दिमाग में। तुम इस बात के लिए अचानक कैसे तैयार हो गए? तुम्हें पता है ना, ताना कभी नहीं मानेगा। माँ का फर्ज होता है कि अपने बच्चे की परवाह करे, अच्छा बुरा सोचे, उन्हें हर खतरे से बचाए। लेकिन जब एक माँ ही अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो अपने आप को बच्चे से दूर कर लेना ही सही होता है। अब काना को कुछ नहीं बताएंगे, हॉस्पिटल में बोल दीजिए कि मुझे कला के ले जाए। मैं तैयार हूं। जाने देगा काना तुम्हें? इसलिए तो नहीं बता रही ना दादी मौसी, लेकिन समझा लूंगी उसे, जब वक्त आएगा समझा दूंगी। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो। जिस रवि का पर्सनल नंबर तूने ट्रेस किया था, जो सयूरी को विक्रांत बनकर डरा रहा था, जिसे सयूरी ने विक्रांत समझ लिया था, उसके नंबर पे सयूरी के नंबर से मैसेज कर रहे हैं। पर उससे होगा क्या? चोर से जब चोरी की बात की जाती है ना, वो डर जाता है। राइट, ये गया मैसेज, बस देखना वो कैसे रिएक्ट करेगा। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि ना तो मैं तुमसे डरने वाली हूँ और ना ही जो तुम कर रहे हो उससे मेरी लाइफ पे कोई फर्क पड़ने वाला है। इसलिए अपनी ये बेकार कोशिशें बंद कर दो। सयू, किसने क्यों किया है मुझे मैसेज? अरे बाप रे, कहीं ये थोड़े से पैसे मुझ पर भारी ना पड़ जाए, और जो करवा रहे हैं ना वो खुद तो बच के निकल जाएंगे, बस मैं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता, उसे मुझ पर शक हो गया है। कहां फंस गया मैं?
घबराओ मत, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। जैसे तय है वैसे ही करते जाओ, सब ठीक होगा। अरे क्या खाक ठीक होगा? उनके प्लान के चक्कर में मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, उनको तो क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क तो मुझे पड़ेगा ना। मैसेज रीड तो कर लिया इसने, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं किया। ये तो एक ही रीजन हो सकता है, हम भी वही सोच रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वरना ऐसा मैसेज किसी और को क्या होता, तो वो कॉल बैक जरूर करता। इसने तो कॉल बैक दूर की बात है, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया, और तो और अब फोन भी बंद आ रहा है। कल होली है, तो काम करते होली के बाद ना इसके बारे में पता लगाते। और हो सकता है कि हमें कुछ पता करने की जरूरत ही ना पड़े, सच खुद चलकर हमारे पास आए। वो कैसे? कल होली है ना, इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहेगा वो, सयूरी को डराने के लिए रंगों की आड़ में। होली के रंगों में अपना दर्द और दुख तो छुपा लूंगी मैं। कृष्ण जी के होली खत्म होती मुझे मेरी बच्ची काना को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा, कि मैं अपने खतरे में नहीं डाल सकती। शायद मेरे साथ साथ ये सारी बलाएं भी दूर हो जाएंगी। माफ कर देना मुझे काना, मुझे करना होगा। होली बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन है ना, तो अब ये जीत होके रहेगी, चाहे वो कितने भी रंग लगाकर क्यों ना आ जाए, हमसे बचकर नहीं जाएगा। सयूरी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देंगे हम, उसके डर से उसे हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। Happy Holi Fituri. Happy Holi Kana. परेशान क्यों लग रही है? ठीक है ना तू? मैं बहुत खुश हूँ गाना, और तेरे रहते हुए कोई परेशान हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है गाना। मुझे लगता है कि होली एक ऐसा त्योहार है जिससे मना के सब कुछ ठीक हो जाता है। एकदम सही कहा, और हमें भी ना अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस होली पे सब कुछ ठीक होने वाला है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, और जो नहीं होंगी ना उन्हें खींच तान के आड़ा टेढ़ा करके ठीक कर देंगे। तुझे हमारी पिछली होली याद है? बुरा ना मानो होली है। किसे भूल सकती हूँ? एलियन बना दिया था तुमने, मुंह पे कलर लगा दिया था। लाइफ भी क्या चीज है ना, मतलब किसने सोचा था कि हम ऐसे हो जाएंगे? I know, right? I mean, दो कट्टर दुश्मन और अभी दो कट्टर प्यार करने वाले। पता है मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ की सारी स्ट्रेस छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, कृष्णा जी ने सब संभाल लेना है इवेंचुअली।
इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी तो उनने संभाल ली ना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी, हमें वापस मिला दिया, तो हमें कोई स्ट्रेस लेनी ही नहीं चाहिए। तो आज के दिन तू राधा बनकर और हम कृष्ण जी बनकर चमके होली खेलेंगे। बस पूरा दिन हमारे साथ रहना, ओके?